नमस्कार दोस्तों, मैं रम्य आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अतुल जैम पैसेंजर के बारे में। जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं, ये इसका 2021 प्रीमियम सीएनजी मॉडल आप देख रहे हैं और आज बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपको और भी कोई डिटेल जाननी हो इसके बारे में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूँगा। साथ ही में पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स अतुल जैम पैसेंजर सीएनजी के इंजन के बारे में। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये मेड इन इंडिया इंजन है। साथ ही में ये आता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, यानी कि स्पार्क इंजेक्शन इंजन है ये। साथ ही में 198.6 सीसी के इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आता है, यानी कि 200 सीसी के। साथ ही में अगर बात करें इसके मैक्सिमम पावर की, तो 9.85 PS की ये पावर निकालता है। साथ ही में 40 लीटर का आपको इसका टैंक देखने को मिल जाएगा सीएनजी का। अगर बात करें इसके गेयरबॉक्स के बारे में, तो आपको 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसके अंदर दिए जा रहे हैं। वेट मल्टीप्लेट आपको क्लच मिल जाता है। साथ ही में आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर दिया हुआ है, जो कि साइलेंसर से निकलती हुई गैसेस को बाहर फिल्टर करके छोड़ने का काम करता है। साथ ही में जो 25% तक का पॉल्यूशन है वो 10% तक का हो जाता है इससे। तो ये एक फ़ायदा आपको मिल जाता है और कह सकते हैं कि ये पॉल्यूशन नॉर्म्स के अंदर आता है, इसलिए ये BS6 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इंजन। अगर बात करें इसके टॉर्क के बारे में, तो आपको 14.7 Nm का टॉर्क इसके अंदर दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और साथ में अगर आप बात करते हैं इसके अपर हैंड वेरिएंट्स की, तो उसके अंदर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन भी देखने को मिल जाएगा। ये जो इंजन आप देख रहे हैं, ये इसका एयर कूल्ड इंजन ही आपको दिया जा रहा है, जो कि 2021 में मेड इन इंडिया हो चुका है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स अतुल जैम पैसेंजर के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, साथ ही में इसकी सेफ्टी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो केबिन दिया जा रहा है, ये इसका डे केबिन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको जो वृत्त मिलती है, 1480 mm की वृत्त दी जा रही है और 1830 mm की आपको हाइट दी जा रही है। गाड़ी का ओवरऑल कर्ब वेट की अगर बात करें, तो आपको 490 kgs तक का कर्ब वेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ग्राउंड क्लियरेंस आपको 255 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। 10 इंच के आपको टायर इसके अंदर दिए जा रहे हैं। और अगर बात करें इसकी लेंथ के बारे में, तो आपको 2990 mm तक की लेंथ इसकी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इसके सस्पेंशंस के बारे में, तो आपको हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग एंड डैम्पर सस्पेंशन फ्रंट में दिए जा रहे हैं और रबर स्प्रिंग डैम्पर सस्पेंशन आपको रियर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में बात करें पार्किंग ब्रेक्स की, तो आपको इसके अंदर मिल जाता है। और साथ में इसके अंदर आपको तीनों टायरों में ड्रम ब्रेक इसके दिए गए हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ में अगर बात करें इसकी चेजिस के बारे में, तो आपको डे केबिन चेजिस इसके अंदर दी जा रही है। साथ ही में ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर बिठाने के लिए सक्षम है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अतुल जैम पैसेंजर सीएनजी के डिज़ाइन एंड लुक के बारे में। तो आपको फ्रंट के अंदर अतुल का बिग साइज़ में लोगो देखने को मिल जाएगा। हेलोजन हेडलैम्प्स आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं। साथ ही में अगर बात करें फ्रंट में, आपको अतुल जैम की बैजिंग मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको येलो कलर का फिनिश देखने को मिलेगा और नीचे ग्रीन, क्योंकि सीएनजी ग्रीन कलर आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। साथ ही में बात करें साइड बॉडी ग्राफिक्स की, तो आपको साइड में बॉडी ग्राफिक्स भी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स आपको इसके अंदर दी गई है। अगर बात करें इसके सीएनजी टैंक के बारे में, तो 6 kgs तक का टैंक दिया जा रहा है, यानी कि आपको 40 लीटर तक की इसके अंदर कैपेसिटी मिल जाती है सीएनजी टैंक की। अगर बात करें इसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल दिया जा रहा है, वो तो आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही में आपको डिजिटल लाइट्स जो हैं वो दी जा रही हैं सीएनजी टैंक के लिए। इसके अंदर पेट्रोल का भी आपको टैंक मिलता है, जो कि 2 लीटर का दिया जा रहा है। और साथ में बात करें इसके स्विचेस के बारे में, तो आपको हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, हेडलैम्प्स का और वाइपर का स्विच मिल जाता है, लॉकेबल ग्लो बॉक्स भी आपको दिया जा रहा है। देख सकते हैं आपको शिफ्ट पेट्रोल टू सीएनजी आप कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक सॉकेट दिया जा रहा है, जो कि चार्जिंग के लिए दिया गया है। और अगर बात करें इसके ये शिफ्ट वाले सिस्टम की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, सुबह में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो स्वाभाविक बात है आप पेट्रोल में कीजिए और इसके बाद में उसको सीएनजी के अंदर कर दीजिए मिनिमम 5 मिनट के अंदर। बॉटल होल्डर भी आपको मिल जाता है और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको इसके अंदर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैं कहूँगा। ओवरऑल बात करें इसके ड्राइवर साइड केबिन की, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। म्यूज़िक सिस्टम भी आपको इसके अंदर इन बिल्ड दिया जा रहा है, जो कि ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ सपोर्टेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके केबिन के बारे में, जो कि एक पैसेंजर के लिए है। तो मैं आपको कहूँगा 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, आप चाहे तो एक बच्चा और भी बिठा सकते हैं इसके अंदर, आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक डोर दिया जा रहा है बच्चों के हिसाब से, बट जो ये डोर की क्वालिटी मैं आपको कहूँगा, ये फाइबर टाइप का डोर है इसका, जो कि अच्छा नहीं लगा मेरे को।
क्वालिटी वाइज। अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो पेट्रोल फ्यूल टैंक आपको बाहर की तरफ दिया जा रहा है, जो कि 2 लीटर का ही आपको मिलता है। बात करें इसके रियर स्पेस के बारे में, तो आराम से आप 2-3 बैग रख सकते हैं, इतनी आपको स्पेस मिल जाती है। बिग साइज़ के अगर बैग हैं तो वो आराम से 2 बैग इसके अंदर रह जाएंगे। साथ ही में आप ऊपर और भी सामान इसके अंदर रख सकते हैं। स्पेयर टायर भी आपको अंदर ही दिया जा रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और टूल किट आपको फ्रंट में ड्राइवर साइड के अंदर मिल जाएगा। बात करें रियर की, तो रियर पे भी आपको अतुल की बिग साइज़ में बैजिंग देखने को मिल जाएगी, अतुल जैम भी आपको मिल जाएगी, और BS6 की बैजिंग भी आपको दी जा रही है। टेल लैम्प्स इसके नॉर्मल ही इसके अंदर दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, इस वजह से आपको रेडिएटर पीछे की तरफ देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें इसके केबिन की, तो केबिन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि CNG में कई सारे लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आप सुबह में जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें तो आप पेट्रोल में करें, 5 मिनट के बाद में उसको शिफ्ट कर दें CNG के ऊपर, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर देखा जाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएगी CNG को लेकर, इसलिए आपको कंपनी भी 2 लीटर का टैंक